एवरीवन वेलकम टू क्रियाश ब्लॉग। क्रियाश ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा धूप आके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या हुआ क्रियाश, क्या है बोल दो। क्या है, क्या है, क्या है। सो एवरीवन, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ गैलेक्सी सैलून में, क्योंकि मुझे अपने बालों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे बाल में हेयर फॉल हो रहे थे और अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं, तो मैंने केरा स्मूथ करवाया था गैलेक्सी सैलून, जो कि डेहरी ऑनसून में है। तो जिसे नहीं पता है वो नीचे मुझे कमेंट करें, मैं उन्हें बता दूँगी कि कहाँ पर है। सो मेरे पास क्रियांश भी था और मुझे अपने बालों में कुछ नया ट्राई करना था, तो मैंने सोचा ये करके देखते कैसा है। सो बहुत ही अच्छा था रिज़ल्ट और मेरे बालों में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो अगर आप केरा स्मूथ करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, क्योंकि केरा स्मूथ करवाने से आपके हेयर फॉल नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं आपके बाल। और इन्होंने काफ़ी अच्छे से किया है। और मैं इधर आईब्रो वगैरह या कुछ भी मुझे करवाना होता है तो मैं इधर जाती हूँ सैलून में, बहुत ही अच्छा है। और ये यूनिसेक्स है तो काफ़ी अच्छा सैलून है ये। तो बस यहाँ देख सकते हैं मेरे बालों को वॉश किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा रिलैक्स मिला और थोड़ा सा नया चीज़ होना ज़रूरी था, क्योंकि क्रियांश का बर्थडे था। और आई एम सो सॉरी कि डिले हो रहा है वीडियो में, तो आप लोग मेरा प्रॉब्लम समझ सकते हैं, क्योंकि क्रियांश काफ़ी छोटा है और उस पर मुझे ध्यान भी देना था, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ। बट अब मैं शायद प्रॉपर वीडियो डालूँगी। और प्लीज़ आप लोग नीचे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को प्रॉपर वॉच कीजिए, जितना आप वॉच करेंगे उतना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, तो पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आएगा। बट ये बस आप लोगों के लिए है। तो आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना कमेंट आ रहा था मुझे, दीदी आप व्लॉगिंग नहीं कर रहे, तो बस यही प्रॉब्लम था, क्योंकि क्रियांश काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगा है, क्योंकि अब 1 ईयर का हो गया है। तो आगे आपको ये भी देखने को मिलेगा कैसे हमने क्रियांश का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और अगर आपको क्रियांश का प्रॉपर वीडियो चाहिए बर्थडे व्लॉग्स, तो आप वो भी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इधर मेरा फिर वॉश हो चुका है और इधर अब ड्रायर से ड्राई किया जा रहा था। क्रियांश मुझे परेशान भी कर रहा था और ऊपर से ये भी करवाना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाल में मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था। तो मुझे अब बाल काफ़ी सही लग रहे हैं और मैं लाइव भी आऊँगी और आप लोगों से बातें भी करूँगी। तब तक आप मेरे वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिए और कैसा लगा ये ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। तो बस आप देख सकते हैं ये अच्छे से बाल मेरा प्रॉपर ड्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं कि अभी कैसा है, और बाद में इसका रिज़ल्ट कैसा होगा वो भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो ठंड भी लग रहा था। तो इधर एक हॉट बैग आता है, वो मैं यूज़ कर रही थी। और ये रहा प्रोडक्ट जो मेरे बालों पर लगाया जाएगा। तो सॉस कप का है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए और सबसे मतलब अच्छा ब्रांड है। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा तो मुझे लगा कि रिव्यू देना ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं अब मेरे बालों को पार्टीशन करेंगी और अच्छे से मेरे बालों में क्रीम अप्लाई करेंगी। तो सारा प्रोसेस वाइज है, आप देख सकते हैं। और यहाँ के यहाँ का सर्विस भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा मैनेज तरीके से मतलब ये लोगों ने किया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ये देख सकते हैं अब मेरे बालों में एकदम पतला लेयर से अप्लाई किया जा रहा है। सो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, क्योंकि इसमें आपका प्रोटीन जाता है बालों में, तो बालों में कोई डैमेज नहीं होता है।
सो अब ये देख सकते हैं, ये क्रीम को अप्लाई करके अब बस ड्राई होने के लिए दिया गया। और इधर मैं को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैं हॉट बैग यूज़ कर रही थी। और ये लास्ट देख सकते हैं रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। तो बस आप अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ जा कर के गैलेक्सी सैलून में ज़रूर जाएँ, सर्विस के लिए काफ़ी अच्छा सैलून है। और अब हम लोग पटना पहुँच चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ क्रियांश का बर्थडे शॉपिंग के लिए और अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि कैसे हमने क्या क्या किया, मतलब अचानक से सब कुछ करना पड़ा क्योंकि घर पे होने वाला था लेकिन बगल में किसी का, मतलब हमारे गोतिया में किसी का डेथ हो गया था तो वो नहीं हो पाया, इसलिए हमने होटल्स में किया। और ये देख सकते हैं इधर मेरे हस्बैंड जो हैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो हम लोग वही प्लान कर रहे थे कि क्या करना है, कहाँ से केक लेना है, कहाँ से क्रियांश का कपड़ा लेना है। तो बस यही सब बातें कर करके हम लोग जा रहे हैं। और अगेन सॉरी कि मेरा व्लॉग्स नहीं आ रहा था, तो आप लोग प्लीज़ उसको, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी और अब से रेगुलर व्लॉग्स आएगा। तो इधर हम लोग आ चुके हैं पटना का PNM मॉल। तो यहाँ पे हम लोग क्रियांश के लिए भी घड़ी लेना था, तो ये देख सकते हैं जूपी का हमने घड़ी लिया था क्रियांश के लिए, और इसमें से कौन सा घड़ी लिया ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग इधर मॉल आ गए थे, ऑर्डर किया है क्रियांश के लिए, काफ़ी अच्छा केक था वो भी आपको दिखने को मिलेगा। और हल्दीराम से भी हमने बुक किया, कुछ चॉकलेट्स लिया हमने क्रियांश के लिए क्योंकि वहाँ पे बच्चे सारे आ रहे थे। और फिर हम लोग यहाँ हनुमान मंदिर आ गए पटना के, क्योंकि क्रियांश का बर्थडे था तो नेक्स्ट डे हो चुका था, तो हमने सोचा कि क्रियांश के साथ हनुमान मंदिर चलते हैं। ये देख सकते हैं हनुमान मंदिर का नज़ारा, तो ये मेरे हस्बैंड क्रियांश को लिए हुए हैं। सो बहुत अच्छे से पूजा हुआ जो कि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बर्थडे के दिन पूजा होना बहुत ज़रूरी है। क्रियांश का फर्स्ट बर्थडे था तो हनुमान जी का तो ज़रूर उसे आशीर्वाद चाहिए था, तो इसलिए हम लोग मंदिर ले आए उसे। और बहुत ज़्यादा भीड़ था, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। सो बहुत अच्छा लगा हमें पूजा करके। सो ये देख सकते हैं ये पटना का हनुमान मंदिर है, तो कभी भी आप पटना आए तो हनुमान मंदिर ज़रूर विज़िट करें और यहाँ का नवेद्यम ज़रूर ट्राई करें। सो अब हम लोग हल्दीराम जाने वाले हैं, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग हल्दीराम पहुँच गए हैं। और ये 3 केक है जो हम ऑर्डर कर लिए थे, और बहुत ज़्यादा भूख लग गया था इसलिए इधर मैंने डोसा खाया। और बस अब निकल चुके हैं, और ये रहा बर्थडे, आप देख सकते हैं सब डांस कर रहे हैं, कितना इन्जॉय कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए बर्थडे का तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब यहाँ बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत मज़ा आया बर्थडे करके। और इधर मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, मेरी फूआ, मतलब मेरी भाभी, सब कोई डांस कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। ये देख सकते हैं आप लोग। आप लोग को कैसा लगा मेरा लुक ज़रूर बताइएगा, और प्रॉपर वीडियो भी आएगा आप लोग नीचे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो भी डालूँगी कि अगर आपको पसंद आएगा तो। बहुत अच्छा लगा, बहुत सब लोग आए, इन्जॉय किए, मतलब ये सब होना चाहिए सेलिब्रेशन, क्योंकि सब साथ में रहते हैं, मिलते हैं, तो बहुत दिनों बाद हम सब मिले थे शादी के बाद। मैं मतलब सबसे पहली बार एक तरीके से मिल रही थी, जितनी भी भाभी थी तो सब इतने बिजी रहते हैं कि आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए सबसे मिले, बहुत मज़ा आया। और इधर हम लोग डांस भी कर रहे थे, ये कोई प्लान नहीं था, अचानक से हो गया, तो हम लोग इधर डांस भी कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। तो सब कोई बहुत इन्जॉय किए। आई होप आपको मेरा व्लॉग्स पसंद आया, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और इधर देख सकते हैं मेरे ससुर जी हैं, मम्मी हैं और मेरी सासू माँ हैं, सब कोई केक कटिंग कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आया केक कट करके। कैसा लगा आपको ये छोटा सा मेरा मिनी बर्थडे ब्लॉग क्रियांश का, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बहुत मज़ा आया, और क्रियांश कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे पता है। और ये डांस कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, हर कोई डांस के मूड में था तो जम करके सबने बहुत डांस किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। और प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए प्रॉपर। और ये देख सकते हैं व्यू होटल का कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको अच्छा लगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।